हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज मस्ट। दिस इज अर्पिता मित्तल। आज हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट मॉडल्स पार्ट टू। जो मॉडल वर्ब्स हमने पार्ट वन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था शुड हैव, मस्ट और मस्ट हैव। आपको आई होप आपको ये अच्छा लगी होगी वीडियो। अब सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं हम कैन, कुड, कुड हैव। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को, पार्ट टू को देखने से पहले पार्ट वन ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा मॉडल्स क्या होते हैं और आपको शुड, शुड हैव, मस्ट हैव में भी डिफरेंसेस पता लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि और भी इम्पोर्टेंट मॉडल्स आपको सीखने को मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स ड्रॉ द क्लिप। फ्रेंड्स हम सबसे पहले पढ़ते हैं कैन। कैन का यूज हम बहुत जगह करते हैं। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है अपनी एबिलिटी बताने के लिए। एबिलिटी मतलब आप क्या कर सकते हो वो बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट प्ले द गिटार। अब मैं गिटार नहीं प्ले कर सकती, लेकिन अगर मैं गिटार प्ले कर सकती हूँ तो व्हाट वुड आई से? आई कैन प्ले द गिटार, मतलब मुझमें गिटार बजाने की एबिलिटी है। मेरे को अगर स्विमिंग आती है, मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? आई कैन स्विम। आपने वो गाना तो जरूर सुना होगा, पप्पू कैन डांस। उसमें पप्पू की एबिलिटी क्या है कि वो डांस नहीं कर सकता। और अगर इसी को ही इंटरोगेटिव में डालना हो, मतलब इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना हो, तो कैसे? कैन बस आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में, कैन पप्पू डांस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी कैन बीट एनीवन एट चेस, मतलब वो चेस में किसी को भी हरा सकती है, उसमें इतनी एबिलिटी है। तो जब भी हमें अपनी एबिलिटी बतानी हो किसी चीज के बारे में, तो हम यूज करेंगे कैन। सेकेंड इसका यूसेज होता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, मतलब कोई चीज कितनी पॉसिबल है उस चीज को दिखाने के लिए। बट माइंड में आप ये फिक्स कर लीजिए कि जो डेली लाइफ की पॉसिबिलिटीज है वो कैन नहीं शो करेगा, वो कुड शो करेगा। कैन सिर्फ जनरल स्टेटमेंट्स जो हमें पता है उनको शो करेगा। अभी एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे यू कैन कैच अ कोल्ड इफ यू गो आउट इन द रेन। सबको पता है अगर हम बारिश में जाएंगे तो हमें जुकाम हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बात सबको पता है, एक जनरल चीज है, कोई डेली लाइफ की चीज नहीं है, ये जनरल चीज है। तो इसीलिए हमने कैन का यूज किया। ट्रैवलिंग अक्रॉस यूरोप कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव। यूरोप ट्रैवल कर जिसने किया होगा उसको पता होगा कि ये क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो यहाँ पर हमने पॉसिबिलिटी शो करी, लेकिन जनरल पॉसिबिलिटी। जनरल पॉसिबिलिटी का मतलब है कि वो पॉसिबिलिटी जो बहुत ही कॉमन है, जो सब लोगों को पता है। अभी हम कुड में देखेंगे कि डेली लाइफ की पॉसिबिलिटीज कैसी होती है, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका यूसेज है फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट्स, लेकिन पोलाइटली नहीं। पोलाइटली अगर हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं मे, या फिर अगर और ज्यादा पोलाइटली यूज करना चाहते हैं और फॉर्मल होना चाहते हैं बहुत, तो हम माइट का भी यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वापस आते हैं कैन पे। तो जब हमें, जैसे मान लो आपको अपने फ्रेंड से कुछ परमिशन चाहिए, कुछ पूछना है, उससे रिक्वेस्ट करनी है, या अपने रिलेटिव से, या फिर घर में जो भी है उनसे, फैमिली मेम्बर से, तो आप यूज करिए कैन। लेकिन जब आपको अपने बॉस से कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो आप प्लीज Never use can, please use may or might. May or might आप use कर सकते हैं। Can मत use करना, bad impression पड़ेगा। तो permission के लिए जब politely नहीं होता है, तो जैसे can I borrow your pen? तो जैसे मेरे friend मेरे side में बैठा है, तो मैं उसे क्या बोल सकती हूँ कि क्या मैं आपका pen ले सकता हूँ? क्योंकि friend है, friend को ज़्यादा politely हम क्यों बोले? Quick revision of can. तो हमने क्या क्या पढ़ा, कैन के क्या क्या यूजेस होते हैं एबिलिटी शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी सिर्फ जनरल नॉट डेली लाइफ, रिक्वेस्ट करने के लिए लेकिन ज्यादा पोलाइटली नहीं, और परमिशंस के लिए लेकिन
वो भी ज्यादा पोलाइटली नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं कुड क्या कहते हैं। जब हमारी अबिलिटी पास्ट में रही हो कुछ और हमें अब बता रहे हम किसी को, तो हम क्या बोलेंगे, कुड का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड प्ले द गिटार व्हेन आई वाज इन स्कूल। जब मैं स्कूल में थी तो क्लासेस होती थी गिटार की, तो उस टाइम पे मैं प्ले कर सकती थी गिटार, मतलब गिटार बजा सकती थी। लेकिन अब वो मेरी जो प्रैक्टिस है वो छूट गई है, अब नहीं बजा सकती। तो जो एबिलिटी थी मेरी गिटार बजाने की वो पास्ट की थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया कुड ना कि कैन, क्योंकि कुड कैन का पास्ट टेंस होता है। नेक्स्ट, शी कुड बीट एनीवन एट चेस इन हर प्राइम। प्राइम मतलब होता है ऐसा टाइम जब हमारी ग्रेटेस्ट सक्सेस हो, मतलब सक्सेस ही हो जा रही है हर चीज में। तो जब उसका वैसा टाइम चल रहा था तो वो हर किसी को हरा सकती थी चेस में, लेकिन अब नहीं हरा सकती। नेक्स्ट इसका यूसेज है फॉर पॉसिबिलिटी ओनली डेली लाइफ नॉट जनरल। अभी हमने डिस्कस किया था कि जनरल पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं और डेली लाइफ पॉसिबिलिटीज शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये बोल सकते हैं अभी ट्रेन आने वाली है लेकिन हमें पता है कि वो लेट हो सकती है, तो हम यूज करेंगे कुड का, द ट्रेन कुड बी लेट। क्योंकि एक आज की सिचुएशन है ना ये, बिल्कुल ही कोई जनरल सिचुएशन ये कि हमेशा ही ट्रेन लेट होती है या सबको पता नहीं है इसके बारे में, तो इसीलिए हमने कुड का यूज किया। राम कुड हैव गॉटन द जॉब इफ ही हैड गॉन टू द इंटरव्यू। ऑब्वियसली इंटरव्यू जाएगा तभी तो उसको मिल सकती थी जॉब, तो ये भी एक डेली लाइफ की है पॉसिबिलिटी। इफ यू डोंट स्टडी यू वुड फेल द एग्जाम। इफ यू डोंट वॉच माई वीडियोज ऑन इम्पॉर्टेंट मॉडल्स यू विल नेवर क्लियर योर कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर हमने कुड का यूज किया। अगर हमें रिक्वेस्ट बहुत ही पोलाइटली और फॉर्मल तरीके से लेनी हो तो हम कुड का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं। इन तीनों में डिफरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर जैसे आपका फ्रेंड ही है मान लो, लेकिन आप उससे थोड़ा पोलाइटली कुछ मांगना चाहते हो, या किसी जैसे हम फोन करते हैं किसी को तो हम क्या बोलते हैं, कुड आई स्पीक टू राहुल, मतलब थोड़ा पोलाइटली बोल रहे हैं, तब हम यूज करेंगे कुड, कैन नहीं यूज करेंगे। फॉर आस्किंग परमिशंस वेरी पोलाइटली, अगेन जब भी पोलाइटली हमें परमिशंस मांगनी है तो हम कुड का यूज करेंगे। कुड आई बोरो योर पेन, कुड आई टेक द डे ऑफ टुमारो। तो आपने ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, कैन होता है जब पोलाइटली नहीं पूछना होता, पोलाइटली रिक्वेस्ट नहीं करनी होती, और कुड होता है जब हमें पोलाइट होना होता है, पोलाइटली कुछ पूछना होता है। लास्ट इसका यूसेज है फॉर मेकिंग सजेशंस। सजेशंस मतलब आप कुछ सजेस्ट कर रहे हो कि ये चीज करो या ये चीज मत करो। तो वी कुड ट्राई दैट न्यू इटालियन रेस्टोरेंट टुनाइट। अब हम सजेस्ट कर रहे हैं, हम सब बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, और हम क्या बोल रहे हैं कि आज हम कहाँ जाएं, तो एकदम से हम बोलते हैं, मैं बोलती हूँ कि वी कुड ट्राई दैट न्यू इटालियन रेस्टोरेंट टुनाइट, आज हम न्यू इटालियन रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हैं, मैंने एक चीज सजेस्ट की है, तो उसके लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू कुड आस्क योर सिस्टर टू लेंड यू सम मनी। आपको पैसे चाहिए तो आप अपनी सिस्टर से पूछ सकते हो, तो ये एक सजेशन है जो मैं उसको दे रही हूँ, तो सजेशंस के लिए हम कुड का यूज करते हैं। क्विक रिवीजन ऑफ कुड, हमने क्या क्या पढ़ा है कुड के यूजेस, जब हमारी पास्ट में कोई एबिलिटी है उसको शो करने के लिए, डेली लाइफ की पॉसिबिलिटीज शो करने के लिए, रिक्वेस्ट और परमिशन पोलाइटली पूछने के लिए, और सजेशन देने के लिए। आई होप आपको कैन और कुड अब क्लियर हो गया। अब कुड हैव पर आते हैं। देखो कुड हैव मतलब होता है जैसे कोई चीज थी, पॉसिबल थी पास्ट में लेकिन वो अब हुई नहीं है पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझ आ जाएगा, इफ आई हैड गॉन टू कॉलेज आई कुड हैव गॉटन अ बेटर जॉब। पॉसिबल था कि मैं कॉलेज जा सकती थी लेकिन वो हुआ नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, अगर मैं कॉलेज जाती तो मुझे बेटर जॉब मिल जाती। यहाँ पर हमने गॉट की जगह गॉटन यूज करा है, तो दोनों ही करेक्ट है, गॉट भी यूज कर सकते हो आप, गॉटन भी यूज कर सकते हो। कुड हैव का सिंटैक्स क्या बोलता है,
कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हमने शुड हैव और मस्ट हैव वाली वीडियो में पढ़ा था ना, जहां पर भी हैव आता है इनके मॉडल्स के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई कुड हैव हैड इट ऑल, अ वाइफ, अ होम, अ फैमिली, बट आई ब्लू ऑल दैट व्हेन आई बिकेम एन अल्कोहलिक। ये इंसान कह रहा है कि इसके पास सब कुछ हो सकता था, वाइफ भी, होम भी, फैमिली भी, बट जैसे ये अल्कोहलिक बना यानी कि शराबी बना तो इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया। तो ये सिचुएशन थी जो पॉसिबल थी, किसके पास हो सकती है, वाइफ भी, होम भी, फैमिली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में हम यूज करते हैं कुड हैव। बी, जो कि कुछ ऐसी चीज जो पॉसिबल नहीं थी पास्ट में लेकिन हो गई, इसका उल्टा, जस्ट ए का उल्टा। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैडंट रन अ बिट फास्टर यू कुड हैव लॉस्ट। अब यहाँ पे हैड नॉट की जगह हैडंट लगाए, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म है। अगर तुम थोड़ा तेज नहीं भागते तो तुम क्या हो सकता था, हार सकते थे। तो कुड हैव को आप ये बोल सकते हो सकते थे, पास्ट टेंस ऑफ कुड। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप वीडियो पॉज करके एक्सरसाइज सॉल्व करिए, आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड में है, और मुझे कमेंट करिए कि कितने आपके सही थे। इसमें आपको कैन कुड यूज करके सॉल्व करना है। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म एक होता है ऑप्टिमिज्म, सबने सुना है वो। ऑप्टिमिज्म हम यूज भी करते हैं कि यार ये इंसान कितना ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, हमेशा हर चीज को ना सही डायरेक्शन में देखता है कि हाँ जो भी हो रहा है ना सही है। जैसे कुछ लोग हैं, अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऑप्टिमिस्टिक है, वो सोचते हैं कि सही है, फैक्ट्रीज नहीं चल रही तो पॉल्यूशन लेवल कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हर चीज को नेगेटिव वे में देखते हैं, हमेशा वर्स्ट लाइट में देखते हैं। जैसे कुछ अच्छा भी होता है तो उन्हें लगता है कि बुरा हो गया। इसमें एक गलती हो गई, यहाँ पर इफ यू वॉन्ट की जगह इफ यू डोंट वॉन्ट होना चाहिए था। इफ यू डोंट वॉन्ट टू लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ, कास्ट आउट ऑल द पेसिमिज्म। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस।